किसानों ने जो लोन लिया था, लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है और कई किसान भाई बहन अभी इस पैसे को भर नहीं पाए। अवधि समाप्त होने के बाद वो डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद फिर उनको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा और इसलिए आज प्रारंभ में ही हम ये फैसला कर रहे हैं कि खरीफ के फसल के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ा के हम आज 15 अप्रैल करते हैं ताकि सुविधा से किसान अपना लोन चुका सके और वो डिफाल्टर ना हो। लेकिन इस अवधि का लोन का जो ब्याज है वो सरकार को भरवाना पड़ेगा। पर अभी मैंने पता किया कि अगर हम 15 दिन का भरते हैं 15 अप्रैल तक का, तो शायद वो 60 करोड़ के आसपास वो राशि आएगी। अब जितनी भी राशि आए वो किसानों की तरफ से सरकार भरवाएगी ताकि किसान 15 अप्रैल तक सुविधा से अपना लोन जमा कर सकें और डिफाल्टर ना हो। तो आज हम लोग ये फैसला कर रहे हैं।